साहब आयरनी तो देखिए कि एक ऐसी टैबू सब्जेक्ट पर बनी फिल्म जो आपको एंटरटेन करने के साथ साथ एजुकेट भी करती है, लेकिन जिस एज के लिए ये मूवी ज्यादा जरूरी थी उसी एज के लिए इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो यार जैसा कि आपको पता ही होगा कि 15-20 दिन से चल रही कंट्रोवर्सी, CBFC के द्वारा लगाए गए 27 कट्स और एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ OMG 2 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। अब बात करें मूवी की तो मूवी अपने सब्जेक्ट और विजुअल प्रेजेंटेशन को लेकर काफी ज्यादा बोल्ड जाती है, जिसके बारे में हम किसी से बात करना भी सही नहीं समझते। तो पहले मैं आपको इसकी मोटा मोटी स्टोरी बता देता हूँ, जहाँ मूवी के मेन कैरेक्टर पंकज त्रिपाठी एज कांति शरण मुद्गल, जो भगवान शिव के एक सच्चे भक्त हैं, दो बच्चों के पिता और एक साधारण इंसान हैं, लेकिन एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा विवेक, जिसे आरुष वर्मा ने प्ले करा है, स्कूल में कोई गलत कृति करते हुए पकड़ा गया है और उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। अब धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल जाती है क्योंकि किसी ने विवेक का वीडियो बना के उसे वायरल कर दिया है। अब पूरे मोहल्ले और शहर भर में कांति की थूथू होने लग जाती है और उसका बेटा उसी गिल्ट में अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है। तभी उनकी लाइफ में भगवान शिव के एक शिवगण प्रकट होते हैं, जिसे अक्षय कुमार ने प्ले करा है, और कांति की लाइफ में चल रहे इस कैओस से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं, जिसकी वजह से उसका घर और दुकान भी छिन गया था। और अब ये मामला पहुंचता है कोर्ट में, जहां उस टैबू सब्जेक्ट या अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो मैस्टरबेशन के ऊपर बात होती है। और यहां पे मैं स्पेशली डायरेक्टर अमित राय को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि हिम्मत चाहिए ऐसे टॉपिक के ऊपर मूवी बनाने के लिए जहां आपको पता हो कि एक गलती हुई कि बस वही मामला खराब। लेकिन जिस तरीके से हमारे पुराणों, ग्रंथों और सनातन धर्म का बड़ी ही रिस्पेक्टफुली और अच्छे ढंग से इस्तेमाल करके उसका बड़ी ही खूबसूरती से चित्रण किया गया है, वाकई में सराहनीय है। बात करें परफॉर्मेंसेस की तो पंकज त्रिपाठी ने दिल जीत लिया, जिस इनोसेंस के साथ उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है मजा आ गया देख के। साथ ही इसमें अक्षय कुमार का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि मूवी पंकज त्रिपाठी की है, लेकिन उसमें अक्षय का होना भी जरूरी था। कोर्टरूम के आर्ग्यूमेंट्स की बात करें, जहां हमें वहां के जज दिखते हैं, जिसे पवन मल्होत्रा ने प्ले करा है, और यामी गौतम जो पंकज त्रिपाठी के सामने एज अ प्रोसिक्यूटर होती है, उन तीनों के बीच में ह्यूमर के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया आर्ग्यूमेंट चलती है, जो आपको हंसाएगी भी और दो चार बातें सिखाएगी भी। एंड ये देख के बहुत अच्छा लगा कि जिस ऑडियंस के साथ मैंने मूवी देखी उन्होंने उसे इंजॉय करा, बल्कि तालियों के साथ उसे अप्रिशिएट भी करा। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने इसके एक और प्लस पॉइंट है, जिसमें स्पेशली हंसराज रघुवंशी का ऊंची ऊंची वादी वाला गाना बहुत खूबसूरत था। अब क्या ये 2.5 घंटे की मूवी, जो बड़ी ही ब्लंट होके सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात करती है, आपका टाइम और पैसा डिजर्व करती है या नहीं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल, क्योंकि इस पर बात होना जरूरी था और मूवी वो काम बखूबी करती है और मैंने मूवी को बहुत इंजॉय करा। तो अगर आपने OMG 2 ऑलरेडी देख ली है तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करना। और गदर 2 ने क्या गदर मचाई है, मैंने उसका भी रिव्यू करा है, जिसे आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग।